नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारी क्लास नंबर 36 है, जिसमें हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड स्कल टाइप ऑफ रेपिटेलिया। फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन के लिए आप क्लास नंबर 27 को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने प्रोटोकोडेटा की जो क्लासिफिकेशन है वो कम्प्लीट बता दी थी। और जितनी एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम देखें इम्पोर्टेंट है, उतनी हमने वहाँ पर डिस्कस की थी। और जब हम स्कल टाइप डिस्कस करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं उस पॉइंट को हम कोरिलेट करेंगे क्लासिफिकेशन से। ओरिजिन जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा से उसके जो बेसिक फीचर हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन में लेके आ जाऊँगा, है ना। सो इतना ही इम्पोर्टेंट है। और आज तक शायद कोई क्वेश्चन आया नहीं है क्लासिफिकेशन के ऊपर, अगर आता भी है तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा, जितना मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, सो अगर अभी तक आपने इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इस लिंक के द्वारा bit.ly/logyreg। आर बड़ा रखना है और बाकी के जो सारे लेटर हैं वो छोटे रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, पिछला जो क्लास था हमारा वो क्या था, एम्फीबिया का। ठीक है, और एक चीज सोचिए कि ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा। कहीं ना कहीं एम्फीबिया से ही रेपिटाइल्स आए हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या, ये 100% सही है। ठीक है, सो फ्रेंड, रेपिटाइल्स के बारे में मतलब रेपिटाइल का अगर ओरिजिन की हम बात करें तो एक लाइन लिख सकते हैं, रेपिटाइल्स इवॉल्व फ्रॉम द एम्फीबियंस ऑफ कार्बोनिफरस पीरियड व्हिच डिपेंडेंट ऑन वाटर बॉडीज फॉर लेइंग एग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ लार्वल स्टेज एंड हैंस कुड नॉट एक्सप्लॉइट एरिड हैबिटेट फार अवे फ्रॉम वाटर बॉडीज। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो आप मेंशन कर सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेपिटेलिया के अंदर। ठीक है, और इसके कुछ जो बेसिक फीचर हैं वो शायद डिस्कशन में लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बीच बीच में मैं लेसन के अंदर लाता रहूंगा। ठीक है, सो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ धीरज शर्मा एंड आई एम टीचिंग सिंस May 2017 एंड दिस इज जियोलॉजी ऑप्शनल कोर्स एंड आई थिंक एवरी नोज अबाउट दिस। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ओरिजिन की मैं बात कर रहा था। सो ओरिजिन कहाँ से हुआ, सीधी सी बात है कि भाई एम्फीबिया से ही होगा, है ना। अगर आपका कोई ओरिजिन पूछे तो आपके दादा परदादाओं, पिताओं, माता पिताओं से ही आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। सो एम्फीबियंस से ओरिजिन हुआ, रेपिटाइल्स इवॉल्व फ्रॉम द एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस भी किस पीरियड के, कार्बोनिफेरस पीरियड के। ओके, सो ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं और ये शुरुआत में ही बता दिया था। ओके फ्रेंड्स, दे इन्वेंटेड ए लार्ज योक लेंडन शेल्ड एग दैट कुड बी लेड ऑन लैंड एंड इन विच एन एम्नियोटिक सैक कंटेन्ड फ्लूइड इन विच एम्ब्रियो कुड डेवलप टू एन एडवांस्ड स्टेज एंड कैपेबल ऑफ फेंडिंग फॉर इटसेल्फ व्हेन हैच्ड। ओके, अब इसके कुछ ओरिजिन से ही रिलेट करते हुए कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, बॉडी डेवलप्ड ए कवरिंग ऑफ एपिडर्मल स्केल्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बॉडी मॉइस्चर एंड स्किन ग्लैंड्स वर लॉस्ट। क्लियर। अब अगर स्कल की हम बात करें, देखिए स्कल के जो टाइप हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन स्कल से रिलेटेड ही पॉइंट है एक ओरिजिन का। फ्रेंड्स, स्केल बिकेम मोनोडाइलिक, मोनोडाइलिक तो नहीं कहेंगे, मोनोकोंडाइलिक। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए, मोनोकोंडाइलिक। ओके, क्यों मोनोकोंडाइलिक क्यों है, फॉर बेटर मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फॉर बेटर मूवमेंट, दो इसके इंपॉर्टेंट स्तंभ कह सकते हैं आप। ओके, एंड फ्रेंड्स, एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रेट टुगेदर परमिटेड स्कल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, एंड लिम बोन्स
and girdles became stronger, but limbs were attached on the side of the body and belly touched the ground during creeping. Mode of locomotion. ठीक है, during creeping mode of locomotion. Creeping का मतलब क्या है, है ना, बड़ा सिंपल सा वर्ड है, कहीं पे भी आप टाइप करके चेक कर सकते हैं. ओके, सो टेंशन ना लीजिए किसी भी वर्ड के बारे में, अगर कोई नहीं समझ में आता तो कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्केरल रीजन इन्वॉल्व टू स्ट्रॉन्ग एंड फ्यूज्ड वर्टिब्रेट टू सपोर्ट द बॉडी वेट ऑन हिंड लेग्स. ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन है, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, यानी कि रेस्पिरेशन भी अगर लंग रेस्पिरेशन की बात करें तो वो क्या होगा, मोर एफिशिएंट क्या होगा, लंग्स रेस्पिरेशन. क्लियर फ्रेंड्स, पेंटाडक्टाइल लिम्स डेवलप्ड क्लोज दैट हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन रॉक्स एंड ट्रीज. पेंटाडक्टाइल लिम्स, ठीक है, पेंटाडक्टाइल लिम्स डेवलप्ड क्लोज दैट हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन रॉक्स एंड ट्रीज. क्लियर है यहां तक फ्रेंड्स? एज ए वॉटर कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, मेटानेफ्रोज किडनी एक्सक्रीटेड यूरिक एसिड. अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, किसमें, जो मेटानेफ्रोज किडनी है, मेटानेफ्रोज टाइप ऑफ किडनी, इसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड तो निकलेगा, ठीक है, मेनली किडनी का वर्क क्या होता है, यही होता है, लेकिन यहां पे एक स्पेसिफिक फीचर है कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, नहीं होगी. ठीक है, ये यहां पे एक फीचर आप कह सकते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं. ओके, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कहीं भी किसी भी तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी आ सकता है फ्रेंड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज, रेप्टाइल्स कंटिन्यू टू बी एक्टोथर्मल्स सिंस वेंट्रिसेल्स वॉज नॉट कंप्लीटली पार्शन बाई ए सेप्टम, नॉट कंप्लीटली पार्टिशन बाई ए सेप्टम एंड ब्लड मिक्सड इन हार्ट. क्लियर, अब अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, है ना, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन इवॉल्व्ड एज ए लार्ज क्लियर्ड शेल्ड एग वॉज लेड ऑन लैंड. ठीक है, ओरिजिन का जो फर्स्ट पॉइंट शुरुआत में ही डिस्कस किया था, उसमें ये थोड़े थोड़े करके सारे पॉइंट मेंशन कर दिए गए थे. ओके, अब फ्रेंड्स, जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, क्या होती है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, किसी को पता है? अगर नहीं पता है तो बताइए मुझे, ठीक है, मैं डेफिनेटली कमेंट्स के द्वारा आपको बता दूंगा. एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है, वो नहीं बताऊंगा यहां पे, लेकिन फ्रेंड्स, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यहां पे है कौन कौन सी. पहली है एमनियोन, ठीक है, उसके अलावा एलेंटोइस, और उसके अलावा यॉक सैक. ठीक है फ्रेंड्स, दीज मेम्ब्रेन इवोल्व टू अनेबल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, किसमें हेल्प करेंगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, कब, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है, है ना, कब करेंगी, एरिड कंडीशन में. क्लियर, सो ये थे कुछ ओरिजिन के इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अब थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स, ठीक है, जो कि स्कल से थोड़े बहुत रिलेट करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स,
अगर रेपिटाइल्स की बात करें तो रेपिटाइल्स को तीन ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप कह लीजिए चाहे सब ग्रुप कह लीजिए। पहला रहेगा पेरेप्सिड, दूसरा साइनेप्सिड और तीसरा रहेगा डायप्सिड, ठीक है। अब इनके भी फर्दर टाइप्स हो जाते हैं, तो उस जो क्लासिफिकेशन का जो लेसन है प्रोटोकोडेटा की, जो हमने क्लासिफिकेशन की थी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर अपर पार्ट की बात करें, किसकी, अपर पार्ट ऑफ द स्कल ऑफ रेपिटाइल इज मॉडिफाइड गिविंग द रेपिटाइल ए फार मोर एफिशियंट एंड पावरफुल जो एक्शन एंड मेक द स्कल लाइट। सो रेपिटाइल का एग्जाम्पल क्या है? देखिए, दो क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम के अंदर, एवरी ईयर आता ही आता है। कौन से वो क्वेश्चन है? या तो क्रोकोडाइल से आएगा या स्फेनोडोन से आएगा, ठीक है। सो वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ रेपिटाइल्स के अंदर। फ्रेंड्स, जो रेपिटाइल है उसको क्लासिफाई आप कर सकते हैं स्कल के बेसिस पे, यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे, या फिर कुछ और भी जो उसके टेम्पोरल रीजन्स है उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सो आपसे इतना पूछ सकता है कि किस किस बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो लगभग लगभग सभी के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में बच जाइए क्लासिफिकेशन में, आप ओरिजन और स्कल टाइप पे ध्यान दीजिए, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो आपका ओरिजिन तो हो गया, लेकिन ओरिजिन के बाद मतलब ये तो जस्ट एक पॉइंट ही, आपने ध्यान दिए कि हाँ भाई ये यहाँ से आया वहाँ से आया, ठीक है। अब उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर हम एंसेस्टर्स की बात करें तो पहला है क्या है, कॉटिलोसॉर्स, और इसमें चलिए डिस्कस करूंगा, ठीक है। फ्रेंड्स, दे वर द मोस्ट प्रिमिटिव स्टेम रेपिटाइल्स दैट इवोल्व फ्रॉम द लैब्रिथोडोंट एम्फीबियंस, ठीक है, इन कार्बोनिफेरस पीरियड। क्लियर है? यहां से आपको एक मतलब व्यू मान लीजिए या फिर पुख्ता सबूत मान लीजिए कि हाँ, जो रेपिटाइल्स हैं वो कार्बोनिफेरस पीरियड से ही इवॉल्व हुए हैं, और कार्बोनिफेरस पीरियड में भी किससे, एम्फीबियंस से, ठीक है। और लैब्रिथोडोंट जो एम्फीबियन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्बुलोमेरी, ठीक है। फ्रेंड्स, अब देखिए इसके अंदर एक एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं, नाम लिख लीजिए, बड़ा अटपटा सा नाम है, शैमोरिया, ठीक है, SEYMORIA। अब इसके कुछ बेसिक फीचर कह लीजिए या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप मेंशन कर लीजिए। ये जस्ट एक लिजर्ड लाइक होता है, LIZARD, ठीक है, लिजर्ड लाइक होता है, या फिर कह सकते हैं लिजर्ड लाइक एनिमल, ओके, जो भी आप सही समझे वो इसको बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, और क्या कुछ फीचर्स हो सकते हैं इसके, कभी सोचने की कोशिश की है? लिम्स होंगे वो कैसे होंगे, सोचा है? पेंटा डक्टाइल, पेंटा डक्टाइल। टेल कैसी होगी, शॉर्ट, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या कुछ पॉइंट मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, क्या इतने से बात बन जाएगी अगर शैमोरिया के बारे में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए? ये तो एक नंबर का ही क्वेश्चन हो पाया है ना, और मिनिमम 5 मार्क्स का आपको लिखना ही होता है वहां पे, ओके। सो फटाफट पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। फ्रेंड्स, सेमोरिया हैड होमोडोंट लैम्ब्रिथिन टीथ्स ऑन द जॉ बोन्स एज वेल एज ऑन वोमर एंड पेलेटिन बोन्स, ठीक है, जॉ बोन्स और
दो कौन सी बोन बताई, वर्मर एंड पेलेटिन बोन्स। किस तरह के टीथ होते हैं, होमोडोंट लैब्रिंथिन। क्लियर है फ्रेंड्स, प्रेजेंस ऑफ लेटरल लाइन इंडिकेट्स इट्स एम्फीबियस हैबिट्स एंड स्कल हैव मोनोकोंडाइलिक फॉर बेटर मूवमेंट ऑफ हेड। ये हम शुरुआत में डिस्कस कर चुके हैं, जो ओरिजिन डिस्कस किया था, है ना। एंड देखिए, मोनोकोंडाइलिक जो स्कल टाइप है वो क्यों है, फॉर द बेटर मूवमेंट ऑफ हेड। एंड साइमोरिया इंडिकेट ग्रेजुअल ट्रांजेक्शन फ्रॉम लैब्रिंथोडोंट एम्फीबियन टू रेप्टाइल्स। और यू कैन से अनदर 5 फुट लॉन्ग कॉटिलोसॉस फॉसिल्स के कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं। सो उसके अंदर आप एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, लिख लीजिए लिम्नोस्केलिस, ठीक है, LIMNOSCELIS, ठीक है, लिम्नोस्केलिस। फ्रेंड्स ये कहां पे पाया जाता है, आइडिया तो आप ही को देना पड़ेगा कि कहां से पाया जाता है। चलिए मैं बता देता हूं, मैक्सिको, ठीक है, इट इज फाउंड इन मैक्सिको दैट हैड लार्ज प्रीमैक्सिलरी टीथ, ठीक है, और टेल कैसी होगी, कैसी होगी, शॉर्ट नहीं होगी, यहां पे लॉन्ग होगी, ठीक है, और टीथ कैसे होंगे, प्री मैक्सिलरी। क्लियर है, दो एग्जांपल हो गए किसके, कॉटिलोसॉर्स के। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरेप्सिड्स, ठीक है। सो पेरेप्सिड्स का बड़ा छोटा सा पॉइंट है, दे पोजेस्ट सुपीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी इन द स्कल एंड वर अडेप्टेड फॉर एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, प्लियोसोरस और इक्थोसोरस, ठीक है। सो पहला लिख लीजिए प्लियोसोरस, यहाँ पे एक मार्क कर लीजिए कि आप कंफ्यूज ना हो ना पीडीएफ जब आप पढ़ेंगे। सो चलिए मैं लिख देता हूँ, पहला क्या है भाई, प्लीसियोसोरस है, ठीक है, प्लियोसोरस नहीं है। इसके बारे में क्या कुछ पॉइंट्स मेंशन करेंगे फ्रेंड्स, पहला तो यही लिख लीजिए कि ये मेराइन है ना, और इसकी जो नेक है वो कैसी है, लॉन्ग है, ठीक है, और यू कैन से ये एनिमल किस तरह का है, फिश ईटिंग एनिमल है, ठीक है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो कितनी लेंथ है इसकी, अबाउट 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है। और अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी कैसी है, फ्यूजीफॉर्म, ठीक है, फ्यूजीफॉर्म टाइप ऑफ बॉडी, और यू कैन से विद 15 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अब अगर टेल की बात करें तो टेल कैसी होगी, शॉर्ट या लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है, क्लियर। एंड फ्रेंड्स जो लिम्स होंगे वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, पेडल लाइक, क्लियर। अब पेडल लाइक लिम्स क्यों है, क्यों मॉडिफाई हुआ भाई यहां पर लिम्स, सोचने वाली बात है, है ना, बिकॉज ऑफ स्विमिंग, ठीक है, पैडल स्विमिंग की है कभी, चलिए कोई, ठीक है, वो यूपीएससी में नहीं आएगा फ्रेंड्स।
स्कल की अगर बात करें तो स्कल कैसा है? यूरोपसिड टाइप। कैसा है? यूरोपसिड टाइप। स्पेलिंग लिख लीजिए, EURYAPSID, यूरोपसिड। ओके, और यू कैन से यूरोपसिड टाइप तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो टेम्पोरल वैक्यूटी है वो सुपीरियर है। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन है आपके पास, सुपीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी इन द स्कल। ओके फ्रेंड्स, अब अगर इसके फोसिल्स की बात करें तो भाई कब का है ये? आप लिख सकते हैं लोअर जुरासिक। ठीक है, लोअर जुरासिक। और लोअर जुरासिक की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं 180 मिलियंस ईयर्स अगो। ठीक है, एंड फ्रेंड्स दे आर बिलीव टू हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन एंड क्रिस्टेशियन मास एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन इन एंड क्रिस्टेशियन मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब एक तो हो गया प्लेसियोसोरस, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कौन सा है? नाम बताया था एक्थियोसोरस। ठीक है, स्पेलिंग लिख लीजिए, ICHTHYSAURUS। ठीक है, एक्थियोसोरस। फ्रेंड्स इसकी भी जो बॉडी है, सॉरी इसकी भी नहीं, सिर्फ इसकी ही बात करूंगा। ठीक है, मैं इसकी जो बॉडी है वो आप कह सकते हैं फिश लाइक। क्लियर, फिश लाइक बॉडी विद फोर लिम्स। वहां पे लिम्स कैसे थे? पेडल लाइक। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या, जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे किसके अंदर? पैडल लिम्स के अंदर, और सॉरी पैडल लाइक फिन्स के अंदर। पैडल लिम्स के अंदर नहीं होंगे, पैडल लाइक फिन्स एंड हिंड लिम। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए फोर लिम्स मॉडिफाई हो गए पेडल लाइक फिन्स के अंदर, और जो हिंड लिम है वो यहां से क्या हो जाएगा? डिसअपियर। क्लियर, गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब मोड ऑन। क्लियर फ्रेंड्स, देर वॉज ए फ्लैसी डोर्सल फिन्स। यहाँ पे आप एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये फ्लैसी डोर्सल फिन भी है। ठीक है, फ्लैसी डोर्सल फिन। ठीक है, फिन किन किन तरह के हैं वो आप मेंशन करते चलिए। और अगर कॉडल फिन की हम बात करें तो कॉडल फिन कैसा होगा? यहाँ पे कॉडल फिन कैसा होगा? लार्ज और बाइलॉब्ड। ठीक है फ्रेंड्स, जॉ की अगर हम बात करें तो जॉ प्रोटेक्टेड, सॉरी जॉज प्रोटेक्टेड इनटू ए एलोंगेटेड स्नॉट एंड टीथ। हुआ टीथ कैसे होंगे? होमोडोंट। ठीक है, होमोडोंट, कोई डाउट तो नहीं है फ्रेंड्स। एन एडेप्टेशन फॉर फिश कैचिंग, ये जो होमोडोन टीथ है ये क्यों है? सोचिए, होमोडोन टीथ जो है वो है फिश कैचिंग के लिए, यानी कि ये एक तरह की एडेप्टेशन है। ओके फ्रेंड्स, स्कल टाइप कैसा होगा? है ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आ जाता है कि स्कल टाइप कैसा होगा। सो स्कल टाइप लिख लीजिए, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा बॉर्डरिंग कर दी जाए जिससे आप कंफ्यूजन में ना हो। ठीक है, स्कल कैसी होगी भाई, सोचिए जल्दी।
स्कल होगी पेरापसिड, ठीक है, उसमें कौन सी थी, कौन सी थी, जरा रिवाइंड कीजिए फटाक से, प्लेसियोसोरस के अंदर सोचिए जल्दी। चलिए फ्रेंड्स, पेरापसिड टाइप तो है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, कुछ बोन्स होंगी बिहाइंड द आई ऑर्बिट। कौन कौन सी वो बोन्स होंगी, पोस्ट फ्रंटल और सुप्रा टेम्पोरल बोन्स, कहां पे, बिहाइंड द आई ऑर्बिट, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, वर्टिब्रल कॉलम बिकेम सेकेंडरली सिंप्लीफाइड विद एम्फिकोइलस वर्टिब्रे, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम बिकेम सेकेंडरली सिंप्लीफाइड विद एम्फिकोइलस वर्टिब्रे, क्लियर। पेरापसिड हो गया, कॉटिलोसोरस हो गया, और कॉटिलोसोरस के अंदर साइमोरिया और लिमोनस्कालिस, और यहां पे प्लेसियोसोरस और इक्थियोसोरस, क्लियर है ना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ जाता है साइनेप्सिड्स, ठीक है, क्योंकि देखिए साइनेप्सिड्स के अंदर तीन है, कौन कौन से हैं, सॉरी तीन नहीं है, दो ही होंगे यहां पे, ठीक है। सो पहले साइनेप्सिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, या फिर थोड़ा सा, चलिए पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इसके नेम है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड, साइनेप्सिड स्प्लिट ऑफ फ्रॉम द प्रिमिटिव रेप्टिलियन स्टॉक वेरी अर्ली इन इवोल्यूशन एंड परहैप्स इन द मिडिल कार्बोनिफेरस पीरियड, एंड साइनेप्सिड हैड स्टार्टेड डेवलपिंग मैमेलियन करेक्टर्स दैट एनेबल देम टू बी फ्लैट फुटेड एंड एक्टिव प्रीडेटर्स, ओके, एंड देयर लेग्स कमेंस टू मूव अंडर द बॉडी, ठीक है। सो यहां तक आपको क्या कुछ समझ में आया है ना, थोड़ा सा मतलब सब कुछ मिक्सअप हो गया होगा, ठीक है। सो चलिए फटाफट, ये तो पॉइंट है ही, उसके साथ साथ दो पॉइंट और मेंशन कर लीजिए फ्रेंड्स। डेंटेशन किस तरह की होगी, किस तरह की होगी, हेट्रोडोंट, ठीक है, हेट्रोडोंट डेंटेशन एंड फॉल्स पैलेट, इट स्टार्टेड डेवलपिंग इन प्लेकोसोरस एंड हैड बीन कंप्लीटली फॉर्म्ड इन टेरापसिड्स, ठीक है। अब यहां पे इसके दो पार्ट हो गए, क्या यहां पे इस लाइन के अंदर ही मेंशन हो गया, कौन कौन से पार्ट हो जाएंगे, प्लेकोसोरस लिख लीजिए, पीई एल वाई सी ओ एस ए यू आर एस, ठीक है, प्लेकोसोरस, और दूसरा कौन सा होगा भाई, दूसरा कौन सा है, थेरेपसिड लिखिए, टी एच ई आर ए पी एस आई डी एस, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेकोसोरस, चलिए वन टू वन डिस्कशन होगी, ठीक है फ्रेंड्स। प्लेकोसोरस आर रिप्रेजेंटेड बाई किसके द्वारा, डेमेट्रोडॉन, ठीक है, डेमेट्रोडॉन, देखिए स्पेलिंग, डी आई एम ई टी आर ओ डी ओ एन, ठीक है, डेमेट्रोडॉन, हुज फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम, कहां से सोचिए जल्दी, नॉर्थ अमेरिका और रसिया, क्लियर। कब पाए गए थे लेट कार्बोनिफेरस पीरियड टू पर्मियन पीरियड, ठीक है। सो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने होते हैं एग्जाम के समय, ओके फ्रेंड्स।
दे वर प्रिमिटिव रेपिटाइल्स लाइक एनिमल इन विच लिम्स हैड मूव्ड अंडर द बॉडी बट नॉट कंप्लीटली ओके एंड ईच लिम हैड फाइव डिजिट विद क्लॉज. ये देखिए फाइव डिजिट सिक्स डिजिट फोर डिजिट ये हमने डिस्कस किए थे पहले भी है ना. और ये जो कार्बोनिफेरस पीरियड है, लेट कार्बोनिफेरस पीरियड है, जुरासिक पीरियड है, लोअर जुरासिक है, ये कब कब थे, ये सारे कुछ डिस्कस किए थे जब हमने क्लासिफिकेशन की थी किसकी, प्रोटोकॉल डेटा की. ये चीज़ कब आई थी, ये चीज़ कब आई थी, है ना, इतने साल पहले था ये, इतने साल पहले था इसका ओरिजिन, क्लासिफिकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस हो गई थी. फ्रेंड्स, न्यूरल स्पाइंस ऑन द बैक वर एक्सेसिवली लॉन्ग स्ट्रेचिंग हाईली वेस्कुलराइज स्किन बिटवीन दैम दैट फॉर्म दे फाइन लाइक सॉरी फाइन लाइक नहीं बोलेंगे फिन लाइक ओके. उसके अलावा आप कह सकते हैं फिन लाइक एंड शेल लाइक, ठीक है, फिन लाइक एंड शेल लाइक स्ट्रक्चर. एंड दे हैड हेट्रोडॉन डेंटेशन विद इंसिजर कैनाइन एंड मोलर, ठीक है, एंड इट इज क्लियरली डिफाइंड बट द फाल्स पैलेट हैड नॉट बीन कंप्लीटली फॉर्म्ड. ठीक है, डेंटेशन कैसा होगा, यहां पे ही मेंशन हो गया था कि हेट्रोडोंट होगा, ठीक है, एच ई टी ई आर ओ डी ओ एन टी, ठीक है, हेट्रोडोंट. अब अगर हम थेरेपसिड की बात करें, यहाँ पे थोड़ा लाइन मतलब बॉर्डरिंग कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो. सो थेरेपसिड की बात करें तो ये मोर एडवांस्ड होगा, है ना, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का कोई भी लॉन्च होता है या रिलीज होता है, सो सबसे पहले क्या आएगा, जो नॉर्मल वाला होता है वो आएगा, है ना, उसके बाद उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन आएगा, फिर मोस्ट एडवांस आएगा, ठीक है. तो थेरेपसिड को आप प्लेकोसोरस का एडवांस्ड वर्जन कह सकते हैं, ठीक है, एडवांस्ड है यानी कि मोर एडवांस्ड है. और एक चीज और कह सकते हैं कि ये एक्टिव साइनेप्सिड्स है, ठीक है, एक्टिव साइनेप्सिड्स, क्लियर. फ्रेंड्स, क्यों बोल रहे हैं हम एक्टिव साइनेप्सिड्स, बिकॉज इट परहैप्स एंडोथर्मिक सॉरी यू कैन से थेरेपसिड्स वर मोर एडवांस्ड एंड एक्टिव साइनेप्सिड्स विच वर परहैप्स एंडोथर्मिक एनिमल्स विद हाई रेट ऑफ मेटाबोलिज्म, ओके. और डेंटेशन यहाँ पे भी वही होगा, कौन सा, हेट्रोडोंट, क्लियर. हेट्रोडोंट डेंटेशन विद फाल्स पैलेट अलाउड दीज एनिमल टू च्यू एंड ग्राइंड फूड फॉर क्विक डाइजेशन इन द गट सो दैट हाई मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ बॉडी कुड बी फुलफिल्ड, ठीक है. गट कहाँ पे होती है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, चेक कर लीजिए. और बहुत बार होता है कि कहीं कहीं ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछ ले कि गट कहाँ पे होता है तो आप क्या जवाब देंगे, ठीक है, सोचा कीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन. फ्रेंड्स, एक चीज़ और होती है यहाँ पे, जो जॉ मसल है वो किससे अटैच्ड होती है, किससे अटैच होती है, जाइगोमेटिक आर्क, ठीक है, लिख लीजिए, जॉ मसल अटैच्ड टू जाइगोमेटिक आर्क, क्या कारण है, क्या कारण है कि जो जॉ मसल है वो अटैच है जाइगोमेटिक आर्क से, टू मेक च्यूइंग इफेक्टिव, क्लियर. फ्रेंड्स, अब थेरेपसिड तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कुछ और क्लासिफिकेशन की जाए, यानी कि इसको थोड़ा सा और एडवांस पे लेके जाया जाए, तो क्या नाम होगा, कार्निवोर थेरेपसिड्स. और कार्निवोर थेरेपसिड्स को आप क्या बोलेंगे,
ये होंगे साइनोडोंट्स, ठीक है। और साइनोडोंट्स का एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या होगा, साइनोग्नेथस, CYNOGNATHUS, ठीक है, साइनोग्नेथस। एंड फ्रेंड्स, अगर हर्बीवोरस है यानी कि कार्निवोरस के बजाय अगर हर्बीवोरस है तो क्या एग्जाम्पल है, सोचा है, बताऊं या ना बताऊं, या फिर आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएंगे। चलिए मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, ये होंगे डिक्टोडोंट्स, DICYNODONTS, ठीक है। ये साइनोडोंट्स होंगे कार्निवोरस, हर्बीवोरस होंगे डिक्टोडोंट्स, और थेरेपसिड्स जो होंगे सिंपली वो होंगे हेटरोडोंट्स, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होगा साइनोडोंट का साइनोग्नेथस, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ और एंसेस्टर हैं इसके, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अब आता है हमारे पास थीकोडोंट्स, ठीक है। और थीकोडोंट्स के बारे में बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं। फ्रेंड्स, थीकोडोंट्स के बारे में क्या है, दे इवॉल्व फ्रॉम सोरेप्सिड आकोसोरिया, ए ग्रुप ऑफ इनसिग्निफिकेंट लिजर्ड लाइक रेप्टाइल्स दैट सर्वाइव द थ्रेसिक मास एक्सटिंक्शन, ठीक है। एंड दे इवॉल्व इन बाइपेडल एंड हाईली एजिल प्रेडेटर्स, क्लियर है। अब देखिए यहां पे दो फॉसिल्स हैं, कौन कौन से, नाम लिखिए, जस्ट वन मिनट, रेड पेन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा दिखाई देगा। EUPERKIA, यूपर्किया, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा है, ऑर्निथो सूचस, ठीक है, लिख लीजिए, ORNITHOSUCHUS, ठीक है। ये दो फॉसिल्स हैं। फ्रेंड्स, दीज फॉसिल्स आर अनअर्थ फ्रॉम द साउथ अफ्रीका एंड यूरोप, क्लियर। एंड इनकी स्पेसिफिकेशन अगर लिखेंगे तो क्या होगी स्पेसिफिकेशन, देवर अबाउट 2 feet लॉन्ग, ठीक है, 2 feet लॉन्ग, कैसे होंगे, ये यहां पे पॉइंट मेंशन किया था, बाइपेडल, ठीक है, बाइपेडल लिजर्ड लाइक एनिमल, ठीक है। अब जो बाइपेडल लिजर्ड लाइक एनिमल था वो कैसा था, और इसके जो फॉसिल्स कैसे थे, विद स्मॉल हेड और स्मॉल हेड बट वेरी लॉन्ग टेल, टेल कैसी होगी, लॉन्ग, क्लियर। सो पॉइंट मेंशन क्या करेंगे, देवर अबाउट 2 feet लॉन्ग बाइपेडल लिजर्ड लाइक एनिमल विद स्मॉल हेड बट वेरी लॉन्ग टेल, वेरी लॉन्ग टेल क्यों थी, सोचिए, फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। अब बैलेंसिंग किस वक्त, मतलब बैलेंसिंग की जरूरत जो है वो किस वक्त पड़ती है, वाइल्ड दे चेज्ड फ्लाइंग इंसेक्ट बाय रैपिड रनिंग, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, एंडियोथर्मी मस्ट हैव इवॉल्व इन थीकोडोंट टू मीट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी डिमांड फॉर देयर प्रेडेटरी लाइफस्टाइल, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सोरिकियंस, ठीक है, सोरिकियंस मतलब
प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, ओके। आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि ये होता क्या है। इसके अलावा इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे पॉइंट मेंशन है वो ही जस्ट आपको लिखने हैं, और ये तीनों के तीनों बड़े सिंपल हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दे वर डायनासोर्स विद लिजर्ड लाइक पेल्विक गिर्डल इन विच इस्कियम एंड प्यूबिस बोन रेडिएटेड अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दे वर बोथ बाइपेडल एंड क्वाड्रोपेडल एंड कार्निवोरस एज वेल एज हर्बीवोरस, ठीक है। तो आप इसको जस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, ड्यूल सिम वाला मोबाइल, ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर हैं, ओके। अब नेक्स्ट की बात करें तो ऑर्निथिसियंस, ठीक है, दे वर डायनासोर्स विद बर्ड लाइक पेल्विक गिर्डल इन विच स्किम एंड प्यूबिस बोन वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोस्टीरियर एज फाउंड इन द मॉडर्न बर्ड एंड दे वर ऑल्सो हाईली डाइवर्सिफाइड कार्निवोरस एज वेल एज हर्बीवोरस एंड बोथ बाइपेडल एंड क्वाड्रप्स। सो दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल एक छोटा सा फर्क है, वो क्या है देखिए दोनों, ठीक है। एक में अवे है और एक में टुआर्ड्स है, ठीक है। सो इतना सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जो पेट्रोसोरिया है या फिर टेरोसोरिया बोलेंगे बहुत सारे लोग, है ना, सो प्रोनाउंसिएशन पे फिर मत जाइए, सिर्फ स्पेलिंग पे जाइए, ठीक है। सो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दे वर फ्लाइंग एंड ग्लाइडिंग डायनासोर ऑफ मीसोजोइक दैट वेरीड इन साइज फ्रॉम स्पैरो साइज्ड टू सम स्पीसीज लाइक पेट्रोनोडोन having a wingspan of 8 meter and they have pneumatic bone, ठीक है। इतना कुछ तो समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद अगर हम बात कर रहे थे पिछले वाली स्लाइड में 5 डिजिट 4 डिजिट 6 डिजिट और ये सारी चीज़ें हमने क्लासिफिकेशन के अंदर डिस्कस की थी, है ना, और जो हमने कार्बोनिफेरस पीरियड, जुरासिक पीरियड, लेट डेवोनियन पीरियड, पेरमियन पीरियड, ये सारे कुछ डिस्कस किए थे, वहाँ पे भी ये चीजें डिस्कस हुई थी। सो इसी के अंदर जो पेट्रोसोरिया है या फिर इसका जो एक एग्जांपल है पेट्रोनोडोन, उसका लास्ट डिजिट लें, सो लास्ट डिजिट ऑफ द फोर लिंब वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लॉन्ग, ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लॉन्ग एंड सर्व टू अटैच द मेम्ब्रेनस पेटेजियम बिटवीन द फोर लिम्स, हैंड लिम्स एंड द बॉडी, क्लियर। इस पॉइंट को कैसे मेंशन करेंगे, लास्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लॉन्ग एंड सर्व टू अटैच द मेम्ब्रेनस पेटेजियम बिटवीन द फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब एंड द बॉडी। अब यहां पर कुछ फंक्शंस हैं कि हैंड लिम्ब क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। हैंड लिम्स वर यूज्ड फॉर क्लाइंगिंग ऑन टू द रॉक्स एंड क्लिफ एंड थ्री डिजिट्स ऑफ द फोर लिम्स ऑल्सो हैड कर्व्ड क्लो एंड एडेप्टेशन फॉर द क्लाइंगिंग एंड अब इसके जो जॉ हैं वो भी मॉडिफाई हुए हैं इन टू द बीक, ठीक है। जो किस में कन्वर्ट हो गए या फिर कह सकते हैं बीक में मॉडिफाई हो गए, इवॉल्व हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। देयर जो वर मॉडिफाइड इनटू द बीक दैट पजेस्ड होमोडोंट डेंटेशन, ठीक है। डेंटेशन कैसी होगी, होमोडोंट। लेकिन ये जो पेट्रोनोडोन है इसमें तो टीथ ही नहीं है, इसके तो भैया टीथ ही नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है पेट्रोनोडोन के अंदर। सो ये सारे थे इसके एंसेस्टर और ओरिजिन हमने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। अभी कुछ कुछ जो नेम है वो हमने डिस्कस कर लिए स्कल के भी, लेकिन अब स्कल्स
को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसी लेसन के अंदर। फ्रेंड्स, स्कल टाइप की अगर बात करें तो स्कल टाइप डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसको क्लासिफिकेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। स्कल टाइप तो आपको दिखाई दे रहे हैं, एनएप्सिड, सीरएप्सिड, पेरएप्सिड, डायएप्सिड और साइनएप्सिड। फ्रेंड्स, रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्मिक एनिमल हुज बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्केल्स एंड दे पजेसेस मोनोकोंडाइलिक स्कल दैट रेस्ट ऑन ए लॉन्ग नेक मेड अप ऑफ एटलस, एक्सिस एंड अदर सर्विकल वर्टिब्री। क्लियर है यहां तक? फ्रेंड्स, दे हैव टू सैक्रल वर्टिब्री, दे हैव टू सैक्रल वर्टिब्री विच आर फ्यूज टूगेदर टू ट्रांसफॉर्म द वेट ऑफ द बॉडी ऑन टू द हिंड लिम। क्लियर है? अब जो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब है, इट बियर्स शार्प क्लोज विच हेल्प द एनिमल इन क्रीपिंग एंड क्लाइंबिंग। ठीक है, कौन सा हेल्प करेगा? पेंटाडेक्टाइल। और पेंटाडेक्टाइल किसके लिए हेल्प कर रहा है? किसके लिए हेल्प कर रहा है? क्लाइंबिंग एंड क्रीपिंग। क्लियर है? फ्रेंड्स, रेप्टाइल वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट, सॉरी, रेप्टाइल वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स दैट लेड ए लार्ज शेल्ड एंड क्लियोइड एग दैट कुड डेवलप ऑन लैंड एंड द एग हैज थ्री मेम्ब्रेन्स। कौन कौन सी थी? एमनियन, एलेंटोइस एंड योक सैक। ये जो तीन मेम्ब्रेन है वो किस में हेल्प करेंगी? This help in the development of embryo on land in arid condition. Arid condition को आप कह सकते हैं dry condition भी, ठीक है? So ये सारा कुछ हम discuss कर चुके हैं और मतलब थोड़े थोड़े point आपसे discuss किए हैं, ठीक है? अब skull के जो name है वो एक word से निकल के आए हैं, उस word का नाम है एप्सी, ठीक है? और एप्सी का मतलब क्या होता है? आर्क, ठीक है? एप्सी मीन्स आर्क। फ्रेंड्स, द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्क और एनक्लोज्ड विंडोज गिव द स्कल टाइप विद देयर नेम। अब नाम तो ठीक है, एनएप्सिड, यूरोप्सिड, पेरएप्सिड, डायएप्सिड और साइनएप्सिड। फ्रेंड्स, these opening actually give the skull extra space for the attachment of jaw muscles and allowing animal to snap their jaw more forcefully. ठीक है, आपने बहुत सारी क्या बोलते हैं, या फिर एक फिश देखी होगी कहीं पे, सोनी अर्थ के नाम से कुछ चैनल है, ठीक है? वहां पे एक फिश मैं देख रहा था, तो उसके क्या था, एक तो बाहर माउथ था और उसके एक अंदर माउथ था। अब बाहर वाले माउथ से उसने किसी भी चीज़ को कैप्चर किया, फिर क्या करेगी, ये जो पीछे वाला माउथ है वो थोड़ा सा आगे आएगा और इस शिकार को जकड़ लेगा। उसके बाद क्या होगा, जो बाहर वाला माउथ है वो उसको और ज़्यादा फोर्सफुली अटैक करेगा और सीधा अंदर निगल जाएगा, ठीक है? सो फ्रेंड, अब ये जो नाम दिए टैक्सा के, चार टैक्सा हैं, किसने दिए, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो यही जान लीजिए कि टैक्सा है कौन कौन से इसके अंदर, ठीक है? पहला है एनएप्सिडा, दूसरा है डायएप्सिडा, तीसरा है यूरेप्सिडा, EURYAPSIDA, और चौथा कौन सा है? साइनएप्सिडा। ये किसने दिए हैं? ये दिए है ऑसबोर्न ने, ठीक है, ऑसबोर्न। और कब दिए थे?
1903 में। क्लियर है फ्रेंड्स? ये क्लासिफाई किए गए चार टैक्सा में एनएफसीडा, डायफसीडा, यूरोपसीडा, साइनएफसीडा, किसके द्वारा? ऑस्बोर्न के द्वारा और 1903 में। ठीक है, सो चलिए पहला डिस्कस करते हैं एनएफसीड स्कल। अब जो एनएफसीड स्कल है वो किस किस के अंदर पाई जाती है, थोड़ा सा बताया था एनएफसीड्स के बारे में जब डिस्कस कर रहे थे एंसेस्टर्स। सो किसके अंदर एनएफसीड टाइप ऑफ स्कल आई थी, या यूरोपसीड टाइप ऑफ स्कल आई थी, किसी में पैरापसीड टाइप ऑफ स्कल आई थी। सो एनएफसीड टाइप ऑफ स्कल किस में होगी? कॉटिलोसोरिया और किलोनिया। ठीक है, स्पेलिंग लिख देता हूं, कॉटिलो सोरिया और किलोनिया। क्लियर फ्रेंड्स? दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्कल ऑफ रेपिटाइल दैट अकर्ड इन प्रिमिटिव लैब्रिंथोडोंट एम्फीबियन एंड देन इन प्रिमिटिव रेपिटाइल लाइक सैमोरिया। सैमोरिया किसका एग्जाम्पल था? किसका एग्जाम्पल था? कॉटिलोसोरिया का। ठीक है, सो द एनएफसीड वर फर्स्ट एनएफसीड वर द फर्स्ट रेपिटाइल टू अपियर इन द कार्बोनिफेरस पीरियड। और कार्बोनिफेरस पीरियड से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं सीपी से? सीपी से आप समझते हैं कि लगभग 345 से 280 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ये है कार्बोनिफेरस पीरियड। फ्रेंड्स, अब जो एनएफसीड है, एनएफसीड का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? एनएफसीड का मतलब होता है विदाउट आर्क। एफसी का मतलब आर्क और एनएफसीड का मतलब विदाउट आर्क। ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ? दे डू नॉट हैव फेनेस्ट्री इन देयर स्कल। ओके, सो फ्रेंड, द एनएफसीड वर फर्स्ट रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल हार्बिवोरस प्रोकोलोफाइनोडिन्स एंड मच लार्जर हार्बिवोरस पेरियोसोर्स। ठीक है, इतने पॉइंट बहुत है एनएफसीड स्कल के बारे में। अब अगर नेक्स्ट जो इसकी इसके जो एग्जाम्पल थे क्लियोनिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं क्लियोनिया के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? टॉर्टोइस और टर्टल, है ना? दे स्टिल पजेसिस देयर दिस टाइप ऑफ स्कल एंड विच हैज कंप्लीटली स्कल रूफिंग विदाउट टेम्पोरल वैक्यूटी और यू कैन से फोसा। ठीक है, अब आता है अपने पास अगला यूरोपसीड। सो यूरोपसीड में मतलब यूरोपसीड किस में पाया जाता है? बताया था PLESIOSAURUS। ठीक है, प्लेसियोसोरस। फ्रेंड्स, यूरोपसीड का मतलब क्या होता है बताइए? यूरोपसीड का मतलब होता है वाइड आर्क। ठीक है फ्रेंड्स, दे हैव वन फेनेस्ट्रा हाई ऑन बोथ साइड ऑफ द स्कल एंड द यूरोपसीड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई मेराइन रेपिटाइल सच एज इक्थियोसोरस, प्लेसियोसोरस एंड प्लेकोडोंट्स। ठीक है, विच आर कंप्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप। ये तीनों एक्सटिंक्ट ग्रुप हैं, इक्थियोसोरस, प्लेसियोसोरस एंड प्लेकोडोंट्स। फ्रेंड्स, द यूरोपसीड एरोज फ्रॉम द डायफसीड विच हैड टू फेनेस्ट्री बट स्टील वन ऑफ द ओपनिंग टू स्ट्रेंथन देयर स्कल फॉर लाइफ अंडर वाटर। क्लियर है, यूरोपसीड का ओरिजिन कहां से हुआ? डायफसीड से। ठीक है फ्रेंड्स,
प्लेसियोसोरस वैसे तो डिस्कस हो चुका था लेकिन थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। प्लेसियोसोरस वॉज एक्वेटिक जायंट रेपिटाइल विद ए लॉन्ग नेक, स्मॉल स्कल एंड फिश ईटिंग जॉ। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, मैक्सिला और प्री मैक्सिला किसके लिए है? यहाँ पे डिस्कस किया था क्या हमने, जो इसके एंसेस्टर डिस्कस किए थे वहां पे, प्री मैक्सिलरी टीथ है ना। तो प्री मैक्सिलरी टीथ किसके लिए थे? फॉर कैचिंग द फिश इजिली। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास आता है पेरेप्सिड। और पेरेप्सिड किसके अंदर होता है पता है? इक्थियोसोरस के अंदर, ICHTHYOSAURUS। ठीक है, इक्थियोसोरस। और ये जो यूरोप्सिड है वो किसके अंदर था? इक्थोसोरस, प्लेसियोसोरस और प्लैकोडोंट। ठीक है, लेकिन ये है इक्थियोसोरस और वो था इक्थोसोरस। तो दोनों में डिफाइन मतलब दोनों को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा, कभी एक ही समझ बैठे। ठीक है, दोनों को। फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ स्कल इवॉल्व इन इक्थियोसोरस विच इंक्लूडेड डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन लाइक एक्वेटिक रेपिटाइल दैट प्रेड अपॉन फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल। DOLPHIN। ठीक है, ये MTNL की सिम नहीं है, वो डॉल्फिन नहीं है। ठीक है, कभी वो समझ के बैठे हैं आप इसको। फ्रेंड्स, दिस स्कल ऑल्सो हैड ओनली वन पेयर ऑफ टेम्पोरल वैक्यूटी ऑन द अपर साइड एंड गार्डेड बाय टू एडिशनल बोन्स, नेमली पोस्ट फ्रंटल एंड सुप्रा टेम्पोरल विच पुश द पोस्ट ऑर्बिटल एंड देयर स्क्वेमोजल बोन्स टुवर्ड्स द लोअर साइड। ओके, एंड द वैक्यूटी आर गार्डेड बाय पैराइटल बोन अबाउ। ठीक है, अब इसके अंदर एक पॉइंट मेंशन कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, इक्थियोसोरस यूरेप्सिड स्कल मतलब इक्थियोसोरस के अंदर यूरेप्सिड स्कल भी थी और पेरेप्सिड भी। अब दोनों को डिस्टिंग्यूश कैसे करेंगे, दोनों कंडीशन को कैसे डिस्टिंग्यूश करेंगे? बिकॉज ऑफ देयर टेम्पोरल फेनेस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, द कंडीशन फाउंड इन इक्थियोसोरस इज डिस्टिंग्यूश्ड फ्रॉम द यूरेप्सिड कंडीशन बिकॉज देयर टेम्पोरल फेनेस्ट्री आर ओनली बॉर्डर्ड बाय द पेराइटल, पोस्ट फ्रंटल एंड सुप्रा टेम्पोरल। ठीक है, और किसके द्वारा डिस्टिंग्यूश किया गया ये? ठीक है, साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, पायरा लॉट। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, PIROT। कब डिस्टिंग्यूश किया गया था? 1969 में। क्लियर फ्रेंड्स, दिस कंडीशन हैज बीन कॉल्ड एज पेरेप्सिड बट इट ओनली रिप्रेजेंट ए माइनर वेरिएशन फ्रॉम द यूरेप्सिड पैटर्न। बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है, जैसे कि एक चीज और हमने डिस्कस की थी जिसमें टुवार्ड्स और अवे का डिफरेंस था, है ना। तो वो दो टाइप ऑफ एंसेस्टर थे। अब आता है डायप्सिड स्कल। ठीक है, सो डायप्सिड स्कल के बारे में क्या कुछ लिखें जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये पाया किसमें जाता है, है ना, किसमें होता है, ये लिख लीजिए। ये होता है स्फेनोडोन के अंदर, SPHENODON। स्फेनोडोन और क्रोकोडाइल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए हैं अभी तक मोस्टली। ठीक है, स्फेनोडोन के अंदर भी होता है ये, स्नेक्स के अंदर भी होता है, उसके अलावा
लीजर्ड्स में भी होता है और क्रोकोडाइल्स में, ठीक है, क्रोकोडाइल। और उसके अलावा कौन सा बच गया, एक ही बचा है, डाइनोसॉर्स। क्लियर। सो डायप्सिड टाइप ऑफ स्कल किस किस में पाई जाती है, स्फेनोडोन, स्केन्स, सॉरी स्केन्स नहीं, स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स। फ्रेंड्स दिस टाइप ऑफ स्कल हैज टू टेम्पोरल वैक्यूटी ऑन ईदर साइड ऑफ द स्कल। द सुपीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी इज सराउंडेड बाई द पेराइटल अबव एंड पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोस बिलो। सो सुपीरियर टाइप ऑफ वैक्यूटी जो है वो किससे सराउंडेड होगी, एक साइड से तो पेराइटल से और दूसरी साइड पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोसल। स्क्वेमोसल और पोस्ट ऑर्बिटल नीचे की साइड और पेराइटल ऊपर की साइड। ओके फ्रेंड्स, द इंफीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी इज गार्डेड बाय द पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोसल अबव एंड जगल एंड क्वाड्रेटो जगल बिलो। ठीक है। सो दो तरह के टेम्पोरल वैक्यूटी, इंफीरियर और सुपीरियर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है लिख लीजिए उनको। पहला तो है सुपीरियर टेम्पोरल वैक्यूटी, ठीक है, ये ऊपर क्या होता है इसमें मेंशन कीजिए उस पॉइंट को, पेराइटल। और बिलो क्या होता है, नीचे, पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल। पोस्ट ऑर्बिटल एंड स्क्वेमोजल, ठीक है। ये तो हो गया एसटीवी। एसटीवी मींस सुपीरियर टेम्पोरल वैकेटी। अब नेक्स्ट आता है अपने पास कौन सा, इंफीरियर टेम्पोरल वैकेटी। सो इसको आप मेंशन कर लीजिए आईटीवी से। अब आईटीवी के अंदर ऊपर कौन सा होता है और नीचे कौन सा, अबाउ में होगा पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोस, ठीक है, पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोस। और बिलो में कौन सा होगा, नीचे कौन सा होगा, नीचे होगा जगल, लिखिए जगल एंड क्वाड्रेटो जगल, DRA, ठीक है, क्वाड्रेटो जगल। ठीक है, ये दोनों में ये डिफरेंस है। एसटीवी के अंदर बिलो में होगा पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वेमोस और वहां पे अबव में होगा, ठीक है, दैट्स द डिफरेंस। फ्रेंड्स दिस टाइप ऑफ स्कल इज लाइटर एंड हैज मोर स्पेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ जॉ मसल एंड इट इज फाउंड इन द लार्ज नंबर ऑफ लिविंग रेपिटाइल्स एंड ऑल्सो इन द एक्सटिंक्ट डायनासोर्स। सो फ्रेंड डायनासोर्स एंड क्रोकोडाइल्स ऑल्सो हैव ए पेयर ऑफ प्री ऑर्बिटल वैक्यूटी एंटीरियर टू द आई ऑर्बिट्स। क्लियर। डायप्सिड स्कल क्लियर। अब अपने पास नेक्स्ट और लास्ट आता है साइनेप्सिड स्कल। साइनेप्सिड स्कल जो है वो किस में पाया जाता है, प्लीकोसोरिया और थेरेप्सिड्स के अंदर। लिख लीजिए पीई LY CO S A U R I A, प्लीकोसोरिया और थेरेप्सिड, THERAPSIDA। ठीक है फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ स्कल वॉज फाउंड इन डेमेट्रोडोन और यू कैन से प्लेकोसोरिया एंड मेमल्स लाइक थेरेप्सिड्स रेपिटाइल। और थेरेप्सिड रेपिटाइल का एग्जाम्पल क्या होगा, क्या होगा, साइनोग्रेथस। ठीक है। सो ये मोस्टली हम डिस्कस कर चुके हैं जो एंसेस्टर डिस्कस किए थे वहां पे। अब साइनेप्सिड का मतलब क्या होता है, सॉरी SYNAPSIDA,
आईडी, साइनेप्सिड मीन्स टुगेदर आर्क, टी ओ जी ई टी एच ई आर ए आर सी एच, ठीक है, टुगेदर आर्क। फ्रेंड्स द साइनेप्सिड्स वर डोमिनेंट लैंड वर्टिब्री फ्रॉम द लेट कार्बोनिफेरस पीरियड। और लेट कार्बोनिफेरस पीरियड की अगर हम बात करें, यानी कि इसको शॉर्ट में लिख लीजिए एलसीपी, एलसीपी कब से कब था, 280 मिलियन ईयर्स अगो टू 230 मिलियन ईयर्स अगो, ओके। एंड यहां से लेके, यानी कि लेट कार्बोनिफेरस पीरियड से लेके टू द एंड ऑफ थेरेसिक पीरियड, ठीक है। अब जो थेरेसिक पीरियड है वो कब से कब तक था, 230 टू 195 मिलियन ईयर्स एगो, ओके। एंड ऑल द फ्रेंड्स द साइनेप्सिड्स वर रेप्टाइल्स, दे लेटर गेव राइज टू मैमल्स, क्लियर। सो एम्फीबिया से रेप्टाइल्स पे आए, रेप्टाइल्स पे यानी कि जो साइनेप्सिड स्कल्स है, यहां से कौन सा पीरियड था लास्ट, एंड ऑफ द थेरेसिक पीरियड, 230 से 195 मिलियन ईयर्स अगो। अब यहां से मैमल्स आएगा आगे, ठीक है, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें आएंगी, वो भी डिस्कस करेंगे, ओके। सो फ्रेंड इस लेसन में हमने डिस्कस किया ओरिजिन और स्कल टाइप ऑफ रेप्टाइल्स, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन से कैसे कोरिलेट किया इन दोनों चीजों को, जिससे कि क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, वो भी हम यहाँ पे कवर अप कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट तो हमने कवर कर लिया था जो प्रोटोकॉर्डेटा की जो क्लासिफिकेशन है उस लेसन में, लेसन नंबर था 27, ठीक है, इसको आप रेफर कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ऑसम डे।